Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a real gas. So how real gas is deviated from the ideal gas, this is the topic. So let's start the video. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रियल गैस से आइडियल गैस से डिफरेंट है. तो हमने अब तक प्रीवियस वीडियो में आइडियल गैस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं, आज से हमने रियल को स्टार्ट किया है. तो आइडियल गैसों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके आधार पर फिर हम रियल को समझेंगे. तो आइडियली में हम सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़े थे आइडियल गैसों के द्वारा. तो काइनेटिक थ्योरी में हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल मानते हैं हम आइडियली. ये एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, नहीं के बराबर मानते हैं, और वो रैंडमली फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ. तो ये काइनेटिक नज़रिया था. लेकिन रियल में क्या होता है, एक्चुअली रियल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है. प्रॉब्लम ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो साइज़ है वो आइडियली हम मानते हैं कि नहीं के बराबर है, लेकिन रियल गैसों के हिसाब से उसकी कुछ साइज़ होती है. और इसके अलावा अगर उनकी साइज़ है तो उनका कुछ वॉल्यूम होता है, और इसके साथ साथ ही साइज़ होने की वजह से उनका अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी है इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर पाते, कम से कम हाई प्रेशर पे. तो वही चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाई वन. तो आइडियल गैसों को पढ़ने के दौरान हमने कुछ लॉज पढ़े थे, जैसे आपका बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इस तरह से. तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और इस तरीके से अवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन वगैरह. तो सारे लॉ आइडियली हम लोग पढ़ते हैं. तो वहाँ पे क्या पाते हैं, अगर बॉयल की बात करें तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो बेसिकली हम इसी को लेकर चलेंगे, बॉयल्स लॉ को. पी वी बराबर कॉन्स्टेंट हमें मिलता है आइडियली. तो ऐसा कोई भी गैस जो इसका पालन करती है हम बोलते हैं कि वो आइडियल गैस जैसा है, क्योंकि रियल में ऐसा कुछ मिलता नहीं है. आइडियली पी वी बराबर कॉन्स्टेंट होता है. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब रियल गैसों को देखा गया, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वगैरह कुछ ऐसी गैसें हैं जो ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, तो इनके नेचर को ऑब्जर्व किया गया, एंड्रू एक्सपेरिमेंट भी हुआ इसमें, तो काफ़ी वेरिएशन आया. अगर पी वी और पी के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमें कॉन्स्टेंट नहीं आता है. जैसे अगर इसके अनुसार हम ग्राफ प्लॉट करें, इधर मान लीजिए प्रेशर और इधर पी वी है, तो इसका ग्राफ हमें कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट. लेकिन ये सारा डेटा एक्सपेरिमेंट से आता है कि हम बहुत सारी गैसों के लिए चेक किए तो हुआ यही कि पी वी बराबर कॉन्स्टेंट हमें नहीं मिला. कुछ लिमिट तक कहीं कहीं मिला कुछ गैसों के लिए, बाकी जगह हमें नहीं मिला. तो एक टेम्परेचर मानते हैं पर्टिकुलर, लेकिन उससे पहले हम ये मान लेते हैं, ये देखते हैं कि जो कुछ ऑर्डिनरी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे, तो इनको लिक्विफाई किया जा सकता है. और कुछ परमानेंट गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, आपका हाइड्रोजन और हीलियम, इनको परमानेंट गैसेस बोलते हैं क्योंकि इनको ईजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते. हाँ, मेथड्स हैं इनको लिक्विफाई करते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ये लिक्विफाई होती हैं फिर वो नहीं हो पाती है. तो रियल गैसों का पहला तो ये है कि मॉलिक्यूल्स की साइज़ होती है. तो पहला प्रॉब्लम कि मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का साइज़ होता है. दूसरा, वो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं. आइडियली हम मानते हैं कि उनका अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं के बराबर है, इंट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन कुछ उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है. यहाँ दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन. मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन तो दोनों चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर साइज़ और मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और स्पेशली जब हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं. अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ करेगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी हैं पास आएंगे, बहुत क्लोज आएंगे, तो फिर उनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते. तो वही चीज़ें यहाँ पर आती हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं. तो पहले इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्या होता है. तो जब कुछ रियल गैसों को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया
तो प्रेशर और पीवी के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, वायर टेम्परेचर तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं, इस टेम्परेचर पे रियल गैसें कुछ कुछ आइडियल जैसा बिहेव करती हैं, लेकिन इसके बिलो ये जो है, ये जो कर्व है ये है बिलो बिलो बॉयल टेम्परेचर, और ये जो कर्व है ये शो कर रहा है एबव बॉयल टेम्परेचर, एबव बॉयल टेम्परेचर। तो एबव बॉयल टेम्परेचर में पी और पी वी के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और बिलो टेम्परेचर में, बिलो बॉयल टेम्परेचर में इतना, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे हमें मिल रहा है पी वी बराबर कॉन्स्टेंट हर पी पे। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं लेकिन हमें पी वी बराबर कॉन्स्टेंट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर प्रेशर तक, यहाँ तक हमें मिलता है। हाई प्रेशर पे वहाँ भी दिक्कत होती है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से उठने लगता है, यानी पी वी की वैल्यू अब इंक्रीज़ करने लगती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो कॉन्स्टेंट था, पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज बॉयल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ तक तो पी वी कॉन्स्टेंट आता है, लेकिन उसके बाद पी वी की वैल्यू इंक्रीज़ करने लगती है। इन सब का रीज़न है हाई प्रेशर पे, जैसे यहाँ से और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ ही रहा है, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम घटेगा। तो अगर हम कोई कंटेनर रिज्यूम कर लें कि गैस इतनी दूर में एक्सपैंड की हुई है, तो अगर हम इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, जितने जो मॉलिक्यूल्स इतने स्पेस में थे वो मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे। सपोज़ करिए कि ये हो गया अब, तो वही मॉलिक्यूल्स अब इतने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो इस अट्रैक्शन की वजह से पी वी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ चेंज होता है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है इस तरह से। दूसरा हमें ये देखना है कि बिलो बॉयल टेम्परेचर क्या हो रहा है। बिलो बॉयल टेम्परेचर हम देखते हैं कि पी वी की वैल्यू इनिशियली जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाना शुरू करते हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर ज़ीरो है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो पी वी की वैल्यू पहले डिक्रीज़ करती है, पी वी की वैल्यू पहले डिक्रीज़ करती है, फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद जब हम प्रेशर को और बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू होता है, और बॉयल टेम्परेचर वाले ग्राफ को फॉलो करती है फिर। तो यहाँ के बाद से पहले ये लो होना, और लो किस लिए होता है, तो लो इसलिए होता है कि इनिशियली जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा, तो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ होगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, प्रेशर उस फॉर्म में इंक्रीज़ नहीं होता, प्रेशर हम धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम उससे ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए पी वी की वैल्यू घटती है। इनिशियली पी बढ़ेगा और वी घटेगा, लेकिन वी ज़्यादा डोमिनेटिंग है इसके कंपैरिजन में, तो वी ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज़ है, मॉलिक्यूल्स की साइज़ है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उसका घटता जाएगा। यहाँ बताया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा रेशियो में घटता है बजाय कि प्रेशर के, ये कांस्टेंट तो तब आएगा ना कि सेम रेशियो में प्रेशर बढ़े और उसी रेशियो में वॉल्यूम घटे, तभी तो पी वी बराबर कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रेशर जिस रेशियो में बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा रेशियो में वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होता है वो शुरू शुरू में डिक्रीज़ करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद फिर वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना बंद हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम एक लिमिट तक ही डिक्रीज़ होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको घटाते बढ़ाते बढ़ाते प्रेशर इतना बढ़ा लेंगे कि वॉल्यूम हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, उसके बाद उसको हम नहीं घटा सकते, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, वो तो रहेंगे, तो ये वॉल्यूम कम नहीं होगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद वी का डिक्रीज़ होना ख़त्म हो जाएगा, ये डिक्रीज़ नहीं होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जब फिर पी और बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है पी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वी कम नहीं हो रहा है और पी को हम बढ़ा रहे हैं,
तो प्रोडक्ट करेंगे तो वो बढ़ना शुरू होगा इस तरह से। तो बिलो वॉयल टेम्परेचर कुछ इस तरह का नेचर है, पीवी पहले डिक्रीज़ होता है फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। रीज़न यही है कि इनिशियली जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसके कंपेरिजन में ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, और ज़्यादा डिक्रीज़ करने की वजह से पीवी की वैल्यू घट जाती है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद वी कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके बाद प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिर्फ पीवी बढ़ेगा, वी नहीं घटेगा। और दूसरी चीज़ हमें देखना है कि एबव बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पे उसको रखते हैं तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स फ्री है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होगा। यहाँ पे देख रहे हो ज़ीरो प्रेशर पे भी पीवी की वैल्यू इतनी मिल रही है, ज़ीरो प्रेशर एक तरीके से हमने लगाया है उसके बावजूद पीवी इतना मिल रहा है, और जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाना शुरू करेंगे डायरेक्ट पीवी बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पीवी का मान बहुत ज़्यादा है हाई टेम्परेचर की वजह से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स खूब घूम रहे हैं आराम से, तो इस हिसाब से पीवी शुरू से ही इंक्रीज़ करता है, शुरू से ही डोमिनेटिंग है। जैसे जैसे पी बढ़ाएंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलता है, हमें मिलना चाहिए आइडियली सिर्फ इस जैसा, पीवी बराबर कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए ना, जो हमारा आइडियल केस है उसमें हमें ग्राफ जो मिलता है वो इस तरह का मिलता है, पीवी बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये डेविएशन जो शो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल गैसें डेविएशन शो करती हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह की अगर बात करें तो उनका लिक्विफिकेशन तो बहुत नीचे है, -240 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 268 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका हीलियम है, हीलियम को अगर लिक्विफाई करना है तो पहले इस टेम्परेचर तक आएंगे, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम भी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम लिक्विफिकेशन की बात कर रहे हैं तो। लिक्विफिकेशन खैर वो दूसरा टॉपिक है, यहाँ उसका डिस्कशन नहीं है, यहाँ हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि रियल गैसें इससे किस तरह से अलग हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो दोनों चीज़ें काम करेंगी, कहीं कहीं पे साइज़ काम करता है, जैसे इसमें दो फैक्टर हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है रियल के लिए, वो दो फैक्टर है, एक तो उसका साइज़ जो वॉल्यूम में प्रॉब्लम करता है, तो पता चलेगा कि जितना वॉल्यूम गैस का था उतना मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए मिलेगा नहीं, तो एक्चुअली उसमें से कुछ कम मिलेगा, है ना। समझ सकते हैं कि अगर आइडियल हम माने तो अगर कोई कंटेनर है उसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इस कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम इसका पूरा गैस का मॉलिक्यूल, पूरे गैस का वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम, पूरे गैस के वॉल्यूम को हम टोटल वॉल्यूम मान लेते थे, वही स्थान हम मान लेते थे कि मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स की जब साइज़ नहीं थी तो ठीक है, जितना कंटेनर का साइज़ है उतना स्पेस उनको मिल गया, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की साइज़ है तो वो अपनी साइज़ छोड़ के ही फ्री होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसकी साइज़ का वॉल्यूम होगा, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम जो मिलेगा मॉलिक्यूल्स को इसमें घूमने के लिए वो वॉल्यूम भी नहीं होगा, जब भी माइनस समथिंग होगा, वही वैन डर वाल्स के संशोधन में आता है कि भी माइनस बी होगा, और ये बी वगैरह क्या है वो वहाँ डिस्कस होगा, वो लगभग फोर टाइम्स मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर होता है, सिंगल मॉलिक्यूल के बी की जो वॉल्यूम है वो फोर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरह से निकालते हैं कि जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो अपने आसपास चार मॉलिक्यूल से घिरा होगा, तो उसका वॉल्यूम लगभग इसी के आसपास आएगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। हमें यहाँ ये देखना है कि ये दोनों फैक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, साइज़ और ये। तो जो इनिशियल चीज़ें हैं जैसे यहाँ से यहाँ तक में हमारा साइज़ मैटर करता है साइज़, और उसके बाद जब हम हाई प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करा देते हैं, जो ग्राफ था इसका कुछ इस तरीके से है, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, और ये था बॉयल टेम्परेचर पे, ये वाला ग्राफ पी वी और पी के बीच, और ये बिलो बॉयल टेम्परेचर कुछ इस तरह, तो ये एबव बॉयल टेम्परेचर, ये बिलो बॉयल टेम्परेचर,
तो इसे बॉयल टेम्परेचर इसलिए कहा गया कि रियल गैस भी कुछ लिमिट तक कंडीशन का पालन कर रही थी, यानी बॉयल्स के नियम का पालन कर रही थी। तो जिस टेम्परेचर पे रियल गैसें बॉयल्स के नियम का पालन करती हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। तो अब इसी के बेसिस पे फिर डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ कम टेम्परेचर पे देख लेते हैं। तो बिलो टेम्परेचर पे कुछ ऐसा आता है, और ये पूरा सब कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अलग अलग गैसों के लिए दिखाया गया है ये कि अलग अलग नेचर आता है। तो बिलो बॉयल कुछ इस तरह का पी वी इनिशियली डिक्रीज़ करेगा। तो जब भी पी वी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी पहला फैक्टर काम करेगा, वहाँ पे मॉलिकुलर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि प्रेशर इनिशियली बहुत कम है, और जब एक लिमिट के बाद प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लगभग वॉल्यूम कांस्टेंट पे आ जाता है। प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम तेज़ी से घटेगा, लेकिन कितना घटेगा एक लिमिट के बाद तो नहीं घटेगा, वी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जब हम पी बढ़ाएंगे तो हाई प्रेशर इन्वॉल्व होगा और ये इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल होगा और ये आगे बढ़ेगा, मॉलिकुलर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, उसकी वजह से पी वी बढ़ना शुरू होगा। और इस वाले में हमारा मॉलिकुलर इंट्रैक्शन इनिशियली यहाँ भी वही मॉलिकुलर साइज, और जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, तो हमेशा जानिए कि मॉलिकुलर इंट्रैक्शन तभी काम करेगा जब प्रेशर हमारा हाई होगा। प्रेशर जब हम हाई लेंगे तब हमारा दूसरा वाला फैक्टर काम करेगा। तो ये जो दोनों चीज़ें थी जो आइडियली नेग्लिजिबल थे, नेगलेक्ट किया गया था इनको, यही मेन मुद्दा बनी बात के लिए जो रियल गैसों में देखा गया, मॉलिकुलर साइज और मॉलिकुलर इंट्रैक्शन। सो इसके आगे की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच।